हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो यार आज सिनेरियो ये है कि आज हमने जाना है शो पे सिटी 24। ट्वेंटी फोर न्यूज़ में जाना। यार देखो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिनेरियो ये है कि आज 4 बजे मैं और अनस निकलेंगे 24 न्यूज़ के ऑफिस की तरफ, ठीक है। वहाँ पे होगा बिलाल कुरैशी भी, वहाँ पे होगा और एक शो होस्ट होगी, पता नहीं। तो ये चेक करो, राजो नियाज हो रहा है। अच्छा कट। तो सिनेरियो ये है कि मैं और अनस निकलेंगे शाम 4 बजे 24 न्यूज़ के ऑफिस की तरफ। अभी तो और घर जा रहा था 4 बजे, तो वो घर जा रहा था। तेरे व्लॉग में नहीं पता चलेगा, इंसान वो झूठ बोलता है जिस पे कांस्टेंट रेस। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है वो, आपस की बात है। तो यार आप लोग जो है ना मुझे देखना, ठीक है। TR, क्योंकि जब मैं एंटर होऊंगा ना शो में तो शो की TRP फट जाएगी, यानी TRP हाई हो जाएगी। तो अभी क्लास थी हमारी वो कैंसिल हो गई है, अब जुमे का टाइम हो रहा है और उसके बाद जो है अगले, हाँ क्लास एंड 12 बजे मैम ने मैसेज किया कि क्लास नहीं होगी, चेक करो। हाँ 12 बजे मैम ने मैसेज किया कि क्लास नहीं होगी और पूरी क्लास मेरे ऊपर फट रही थी कि मैंने नहीं था। तो जब मुझे ही 12 बजे पता चला था कि क्लास नहीं हो, तो यार देखो मैम प्लीज़ टाइम पे बता दिया करें क्लास होनी है या नहीं होनी है, अचानक से बम ना खड़ा करें हमारे ऊपर। तो मिलते हैं आपसे अब हॉस्टल जाके तैयारी करते हुए। तो क्लास कैंसिल होने की वजह से जो है ना अभी अभी हमने स्टार्ट कर लिया सोना चांदी वाली गेम, जिसमें सना है, फिर बाय वरदा है। तो क्लास कैंसिल हो गई, अब हम गेम खेल रहे हैं। गेम जैसे खत्म हो गया मैंने चले जाना है। मेरे पास 6 तरह की पट्टियाँ पड़ी हैं। तो अब सिनेरियो ये है कि मैं जा रहा हूँ, तैयार तुम हुआ नहीं, खैर क्योंकि मैं वहाँ पे जाके तैयार होऊंगा। एक्चुअली सफ़ेद सूट था तो रास्ते के ना यू नो डस्ट पोल्यूशन, उसके बाद डैंड्रफ, ये सारा कुछ जो है ना, हाँ क्या बोलूँ, गंदे कर देता कपड़े। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाके तैयार होऊंगा और मेरे साथ जा रहा है मियाँ अनस इमरान अराई। गलती से, मेरी जिद से मैं जा नहीं रहा था, कहता ब्रो मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। मेरे का भाई गुस्सा सारा मैंने थूक के, मैं इसके साथ में थूकने जा रहा हूँ। एक्चुअली इसका पता क्या सीन है, ये जो है ना जब का हॉस्टल में रहना शुरू हुआ है, ये स्टार्ट पे इतना इमोशनल नहीं था, अब ये इमोशंस में आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैंने वापस लेट जाना अगर तुमने मुझे मेरे सामने बातें की। अच्छा नहीं नहीं अच्छा, तो मैंने इसको बोला कि अगर तो तू मेरे साथ चलता, क्योंकि मैंने जाना है तेरे साथ, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो ठीक है मैं चलूँगा, वरना मैं जाऊँगा सीधा कार। मैंने बैग पैक कर लिया, मैं आया, मैं अकेल से मिला, मैंने अनस से सलाम ली, मैंने कहा ओके अनस मैं जा रहा हूँ। फिर अनस भी लाइक के यार मेरा दोस्त है, यही बात मुझे अनस की बड़ी पसंद है, ठीक है। तो अनस आई लव यू यार। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, आपको मिलूँगा मैं किधर जाके, 24 न्यूज़ पे। उधर दो होस्ट होंगे, एक होगा बिलाल कुरैशी जिसके साथ मैं पिक्चर्स बनाऊँगा, अनस भी बनाएगा, और एक होगा पता नहीं कौन सी लेडी होस्ट है। अब देखो हम किसके शो में जा रहे हैं, अभी तो यही नहीं पता शो किसका है। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो औरत वाला शो होगा, बिलाल कुरैशी वाला शो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जाते हैं और उसका क्वेश्चनआयर भी नहीं होता, उसके सारे उलमा होते हैं। तो अब देखो क्या होता है, बस विश मी बेस्ट ऑफ लक यार, आई लव यू ऑल। तो ये है अनस इमरान, जिसको मैंने कल की वीडियो में दिखा दिया हुआ था। इस बंदे को मैंने इतना 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 इमोशनल ब्लैकमेल किया, इतना हार्ड किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल किया। ब्लॉगिंग करते हुए आप ड्राइव ना किया करें, वो तू ड्राइव कर रहा है ना, मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ इसको। मैंने अभी हम आए हुए हैं लेक सिटी, लेक सिटी इतने मजे की जगह से हम जाएंगे, एक एक दफा
थोड़ी देर के लिए हम इतने गंदे रास्ते में एंटर हो गए ना कि क्या ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं बात बता रहा था उसी बात पे अगर हम आए तो इस बंदे को मैंने इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि ये अपनी बंदी से बातें करता छोड़ के मेरे साथ ट्रांसमिशन पे जा रहा है। अनस आई लव यू फॉर दिस। मेरे पास ना कपड़े थे, मेरे पास ना काट दी होगी। हाँ ये तो मैं काट दूंगा, गाली काट दूंगा। तो यार अभी जो है ना हम जाएंगे ट्रांसमिशन में, वहाँ पे बिलाल कुरैशी भी है, वहाँ पे एक और होस्ट भी है, तो दो वहाँ पे जो है ना होस्ट हैं। देखो किस ट्रांसमिशन में हमें ठोंसते हैं, लेकिन बिलाल कुरैशी के साथ तो मैं पिक्चर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बिलाल कुरैशी मेरा कज़न है, मैं वो मेरे साथ हॉस्टल में आ जाएगा और काफ़ी मशहूर फैमिली है मेरी। हाँ काफ़ी मशहूर फैमिली है अनस की भी और मेरी भी, क्योंकि मेरे अब्बा जी जो हैं माशाल्लाह DSNGs मुझे दो दो DSNGs बनवा के दे रहे हैं। तो अभी जो है ना हमारे साथ यहाँ पे अनस क्या हुआ है, बंद करते हैं, मोय हो गया, मोय मोय हैदर का शो था और उन्होंने बोला कि आपकी स्लॉट है ना कल थी, हमारी तरफ से मिसमैनेजमेंट बेचारे। तो हैदर की शो का देखना हैदर, मुझे मुझे कल फ़ोन किया इन्होंने, कहते हैं जी आपकी जो है जाके अपनी प्रेसिडेंट डिबेटिंग सोसाइटी वाली को बताऊंगा कि हमारे साथ ये इस तरीके से इन्होंने गंदा वाला मोए मोए किया है। वो देखो मेरा आईफोन पकड़ो, एक ही नुस्खा दिया है फरमाया मेरे आगे तसल्ली खुदा कुरान में फरमाता है कि अगर तुम इस्तिगफार करोगे मैं तुम्हारे कसर बनाऊंगा और तुम गुनाह परवाज करूंगा। बंदा शो गया है और मेरी वीडियो उठा के तो फाइनली तैयार हो चुके हो चुका और अनस ने काफ़ी हेल्प किया, मुझे हेल्प आउट किया, तो थैंक यू अनस। चलो ऊपर चलते हैं हम, वो वाली बनाई जिसमें मेरा आंसर सही होगा। अच्छा हैदर पहन कर कुछ और आया था अभी, ये चेंज कर ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हैदर किस तरह का लग रहा है। मेकअप के बाद बताइएगा, अभी इसने फिलहाल मेकअप नहीं किया, उसके पीछे से बाल लगते हैं, देख इतना बाल तेरा लगते हैं, मुझे पता है। बस ठीक है, हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हैदर के शो पे। मेरा शो नहीं है, खैर मेरा शो नहीं है, मैं तो सिर्फ कंटेस्टेंट आया हूँ शो में। इसी के साथ अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और अगर आप हैदर के रेफरेंस से आना चाहते हैं, शो से अटेंड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें हैदर के चैनल को। बिलाल कुरैशी का शो, बिलाल कुरैशी तो मेरा कज़न है ना, मैं आपको बताया था। तो अभी हम जा रहे हैं, तो बिलाल कुरैशी से शॉर्ट आउट ना लूँ, सोर्स नहीं निकालते अपना। अभी हम जा रहे हैं अंदर, कैसे। अच्छा तो अभी फिलहाल गेम कुछ यूँ घूमी है कि हैदर का शो है इफ्तारी के 10 मिनट बाद, तो अभी हम फिलहाल इधर आए हुए हैं इफ्तार करने के लिए। और मज़े की बात है कि मेरी इफ्तार भी 10 मिनट लेट ही है, तो हमारे प्लेट में है हैदर समोसा, नान नान, रायता, जूस, पानी। हाँ तो फिलहाल हम इफ्तारी वगैरह पोड़ेंगे और उसके बाद मैं ना फिलहाल बात वगैरह कर रहा हूँ भाई से कि मेरे ना इंटर्नशिप वगैरह लग गए, और मज़े की बात यह है कि इस टाइम मेरे सांस सूखी हुई है क्योंकि जो मेरे मुकाबले पे दो बंदे आ रहे हैं, एक पास आउट है, एक का फाइनल ईयर है और मैं हाफ डिग्री, मतलब क्यों। पिछले सेमेस्टर में भी यही हुआ था कि पहले सेमेस्टर का लड़का था उसके साथ वाले फाइनल के थे, अभी भी इसके साथ बेचारे के साथ यही हुआ है, तो कोई मसला बहुत गलत होता है, टेंशन नहीं लेनी। हमजा भाई मेरे साथ सही नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम टू द हमजा भाई वन एंड ओनली, और फिलहाल हमजा भाई मुझे ऐसे बंदों के साथ एडजस्ट करते हैं ना जिनकी डिग्री पूरी होने के मुताबिक होती है। यार ये बंदा कभी खुश नहीं हो सकता, इस बंदे की ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं, लिखी नहीं हुई। लिटरली लास्ट ईयर हमजा भाई ने जो मेरे साथ कंटेस्टेंट चूज़ किए थे, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, एक का चल रहा था फाइनल सेमेस्टर और एक मास्टर्स का स्टूडेंट था, ठीक है, और इस दफ़ा जो है मेरे साथ भाई एक का जो है वो फाइनल ईयर चल रहा होगा और एक पास आउट ऑलरेडी हैं, तो मैं देखो यार मेरी हाफ डिग्री भी हुई है। आप आराम से आप अफजाई करेंगे, ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? नेक्स्ट ईयर आना, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट ईयर आना, खैर मैं नेक्स्ट ईयर सीनियर होके आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। तो इसी के साथ कैमरा मैन अनस इमरान, 24 न्यूज लाहौर। तो यार पोजीशन तो खैर कोई नहीं बनी, लेकिन गोल्डन पर्ल जिंदाबाद। जामे शीर गोल्डन पर्ल तो अभी जो है ना असली हालत में वापस आते हैं, ठीक है? क्योंकि रास्ते में यार मट्टी बड़ी है, अनानास रास्ते में मट्टी बहुत है। अनानास पहले वाइट था, चिकना अंग्रेज, अब में काला। हम रास्ते की मट्टी देख के आ रहे हैं, ठीक है? तो हमने फैसला ये किया कि हम जो है ना दोबारा वापस पहले की तरह पहले हुलिये में आ जाते हैं। मेरे साथ एक और भाई ने जॉइन किया, मुजम्मिल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमारा जूनियर है, लेकिन हमें अभी पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडलर है। तो आई वाज लाइक यार हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे जूनियर इतना कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो मैं जो है ना बस मिलता हूँ आपसे, यू नो द चेंज करने के बाद, वो तो नहीं मैं वीडियो में ऐड करूँगा। तो वापस पुरानी हालत में आने के बाद अभी हम जा रहे हैं, अनस किधर हम वापस जा रहे हैं? जॉर्डन हैं, किधर जा रहे हैं? अरे यहाँ नहीं थे जाना हमने, वो बल्कि हाँ पहले जॉर्डन जाना है, फिर हमने अरानिया जाना है। सो तो अपनी शिकस्त की जो है खुशी मनाने हम आ चुके हैं, किधर हम आ चुके हैं? ईस्टर्न ओवन। और यहाँ से हमें टाइम मिला है 25-30 मिनट्स का पिज़्ज़ा लगने में, तब तक हम करेंगे इसको अपने गिफ्ट टेम्पर को ओपन, ठीक है? और अनस आपको क्या लगता है क्या होगा इसके अंदर? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्मेटिक्स, इसके अंदर शैम्पू हो सकता है, शैम्पू हाँ, और गोल्डन पर्ल का शैम्पू नहीं है, है देखो ये दिखा हुआ है सैटिन टच या लैदर हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, और डिओड्रेंट हो सकता है, ओके, और गोल्डन पर्ल का डिओड्रेंट भी नहीं है, लैदर के बाल सेट करने के लिए थूक और बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि वॉलेट भी हो जाए और बस 20 तोला सोना भी होगा इसका। अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इसमें होगा एक डायरी होगी, इसमें, ठीक है? और इसमें जो है होगा एक किचन, एक बॉल पॉइंट होगी, और तकरीबन हाँ ये चीज़ें तो मस्ट होंगी ना, और बाकी देखें क्या होता है। चलो यार बोलते हैं, सबसे पहले आपने वज़न का टेस्ट करना है, वज़न वेट टेस्ट। यार इसमें कोई गोल गोल वज़न देखे हैं? वज़न वज़न कर लिया है तकरीबन हाफ के जी, हाफ के जी जी। अब टच करके दिखाएं आप, गोल 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 किसके शो पे गए थे आप? ज़ारा अली के नहीं, फिज़ा अली के। चलो यार लेट्स ओपन इट। फाइनली काफी कोशिशों के बाद जो हमारा गिफ्ट हैम्पर है वो ओपन हो चुका है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें मिल रहा है बॉडी स्प्रे, फेशियल, हेयर रिमूवल क्रीम, फेयरनेस क्रीम, एक्ने और ऑयली स्किन के लिए साबुन, ये है लोशन, और ये हर्बल शैम्पू।
एंड दैट्स इट, ये सारी चीजें निकली हैं, ये हैदर के महीने का राशन निकला, ये मेरा महीने का राशन निकला, तो बस अब ये चीजें, ये स्मेल करके दिखा रहा हूं, सर धो के दिखाऊं, सर धो के दिखाऊं, मजे के हार्ड नहीं है, सॉफ्ट स्मेल है, बस ठीक है ना, ठीक है, इट्स जस्ट इट्स काइंड ऑफ मोस्पेल, मोस्पेल बाकी मुझे मोस्पेल क्या ये मोस्पेल की तरह की स्मेल है, ये है एमरड्यू डेजर्ट रोज, इन सब में से काम की जो चीज़ है ना वो हैदर के लिए ये है हेयर रिमूवल क्रीम, ये हैदर जो इसके शो पे इसके जो बाल पीछे से ख़राब हुए पड़े थे ना वो उन पे ये लगाए, देखो सेट हो जाएंगे, ये आएगा स्किन के लिए, मेरा रंग हो जाएगा वाइट, एक दो तीन और चार, ये है मेरा रंग वाइट करने के लिए, ठीक है ये है अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए, अच्छा ये देखो ये है देसी, देसी ये करंगी से उठाई गई थी, और ये जो है ना ये इसके पिंक पिंक चीज़ें बहुत पिंक, क्योंकि ये लगाते थे वाइटनिंग सोप, और इतनी पिंक हो गई कि ये अब अंग्रेज बन चुकी है, हैदर भी इसी तरह, और ये है ताकि मुझे पसीने की स्मेल आए, मुझ पर क्या आएगी और ये है ये लगा के देखना सॉरी ब्रो, और ये है ताकि मेरे बाल अच्छे हो जाए, मैंने स्मेल मजे किया दिखा, ये मैंने दिया थोड़ा सा आपको दिख रहा है, एक मिनट को दिख रहा है हाँ स्मेल अच्छी है, स्मेल मजे की है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को ये दोनों चाहिए पैकेट नहीं वैसे अनस तू ना बॉडी हेयर रिमूव करते इफ यू वांट दिस, यार मैं सोच रहा हूँ कि ये देखो पहली बात इसमें सुराख हुआ पड़ा है इधर तो आए इधर सुन, ये सुराख हुआ पड़ा, ये कंट्रोल कंट्रोल, अच्छा यार जो है हमने गिफ्ट टेम्पर अनस देखी एंगल ठीक आ रहा है, हाँ आ रहा, हमने जो है गिफ्ट टेम्पर्स को गिफ्ट टेम्पर को अनबॉक्स किया है ठीक है, खोल लिया है सारा कुछ चीज़ें जो है हमने निकाल ली हैं देख ली हैं क्या क्या है, तो थैंक यू सो मच यार हमजा भाई, थैंक यू सो मच, मेरी थर्ड पोजीशन के पहले ज़िम्मेदार आप भी हो, आपने मेरे सामने मेरे मद्दे मुकाबल जो है ना PhD के स्टूडेंट्स खड़े कर दिए, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, कभी बख्शूंगा नहीं ज़िंदगी में, कभी माफ़ नहीं करूंगा, कब्र की दीवारों तक याद रखूंगा ये बात मैं, तो यार आपसे जो है ना अब दोबारा मिलते हैं यूनिवर्सिटी जाके ठीक है, तब तक के लिए हॉस्टल जाके आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिंगड़ों मेरा कैमरा मैन मेरा लाइट मैन सब्सक्राइब बाय बाय टाटा गुड बाय गया।